ओम श्री गणेशाय नमः। प्रथमेश चैनल में आपका स्वागत है। आज हम चंद्र राशि अनुसार आपके भविष्य फल के बारे में बात करेंगे जुलाई महीने 2021 की। इस वीडियो में हम आपके हेल्थ, करियर, लव लाइफ, फाइनेंस, रिलेशन, हेल्थ सब विषय को लेंगे। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, पसंद नहीं आए तो डिसलाइक कीजिए, और कोई सलाह देना चाहते हैं तो कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए ताकि हर वीडियो आपको पहले मिले। तो आज की राशि है मीन। जुलाई का महीना मीन राशि के जातकों के लिए औसत से बेहतर रहने की उम्मीद है। कामकाज को लेकर आपको विशेष प्रयत्न करने की आवश्यकता होगी। प्रयास में लाभ के योग हैं। व्यापार आदि संपर्कों का आप भरपूर फायदा उठाने में सक्षम होंगे। वाणी व्यवहार के दम पर आप अपने काम में सफल होंगे। विद्यार्थियों के लिए जुलाई का महीना थोड़ा परेशानी वाला हो सकता है। पठन पाठन में छोटी मोटी अड़चनें आती रहेंगी और मन भटकेगा। प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी अतिरिक्त प्रयास की आवश्यकता है। आंशिक सफलता के संकेत हैं। घर परिवार का भरपूर सुख लेना है तो आपको हावी होने की प्रवृत्ति छोड़नी होगी। आप ही सही हैं, यह भावना को त्यागें। सिर्फ अपनी ही न चलाएं, दूसरों की राय को भी आदर दें। यदि आप यह कर सकते हैं तो भाई बंधुओं का भरपूर सहयोग मिलेगा और आप उनका भरपूर लाभ भी ले सकेंगे। जिन जातकों के प्रेम संबंध हैं उनके लिए महीने के पूर्वाध में थोड़े समय को छोड़ दें तो शेष महीना आनंद और आमोद प्रमोद से रहने वाला होगा। बोलने की आदत से बच सकें तो भरपूर आनंद उठाएंगे। प्रियतम के करीब आने का मौका मिलेगा। विवाहित जातकों के लिए समय ठीक ठाक ही है। पूर्वाध में सामंजस्य में थोड़ी परेशानी आ सकती है लेकिन उत्तरार्ध अनुकूल रहेगा। विवाह की इच्छा रखने वाले जातकों का विवाह तय हो सकता है। आर्थिक दृष्टि से देखें तो यह महीना सुखद और धनागमन करने वाला है। आय के स्रोत बढ़ेंगे। धार्मिक प्रयोजनों में मांगलिक कार्यों में कुछ खर्च संभव है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी समय मिला जुला या अच्छा ही रहने वाला है। खान पान को ध्यान में रखने की आवश्यकता है, इससे कोताही बरतेंगे तो परेशानी बढ़ सकती है। महीना अच्छे से बीते इसके लिए आप कुछ उपाय कर सकते हैं। प्रतिदिन चमेली के तेल में दीपक जलाकर हनुमान जी की मूर्ति के समक्ष रखें। श्री बजरंग बाण का पाठ करें। भाई और बहनों से अच्छे संबंध बनाकर रखें। दुर्गा माँ को भूल कर भी अपमान ना करें। पीली वस्तु का दान करें। आशा है वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। धन्यवाद।